Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. Saath hai aapka ECLE ke is channel par aur aaj ki class hai 7th number ki, theek hai, antonyms ki hai. मैं पिछले 6-7 वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता है कंडीशन. मैंने कल वीडियो डाली थी, आई एम कोविड पॉजिटिव. मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और पिछले 3-4 मतलब 15 तारीख से मैं यहीं पर आइसोलेट हूँ, 15 से संडे से, ठीक है, आइसोलेट हूँ. तो मैं वीडियोस नहीं बना चुका, वैसे तो मैं यहीं था, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है. बट क्या हुआ कि आप सुनते हो मेंटली क्या क्या दिक्कत होती है कि कितने सारे लोग कोविड की वजह से डेथ हो रही है, डेथ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, केसेस बढ़ रहा है, अस्पताल में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है. कुछ लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका डेटा नहीं आया. तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें मतलब सुन रहा है, मतलब चारों ओर क्या है, नेगेटिविटी है. तो मेंटल स्टेटमेंट होना ज़रूरी है. तो मेंटल स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा कोशिश करें बनाए रखने का, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है. ऑक्सीजन लेवल सही है, सेल्फ आइसोलेशन में टैबलेट ले रहा हूँ, बराबर खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, ठीक है. तो अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो आपको वीडियो बना जरूर बनाऊँगा, ठीक है. तो अगर मैं अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर बनाऊँगा आपके लिए, क्योंकि एजुकेशन मस्ट भी जो भी हो, ठीक है. जितना भी हो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँ कम से कम, ठीक है, जितना भी हो जितना मैं जानता हूँ. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम. तो हम पढ़ रहे हैं, मैंने बता तो दिया लेकिन माफ़ करना थोड़ा सा, मतलब हम मतलब एंटोनिम्स 100 जो आपकी एसएससी में जो एग्ज़ाम में पूछेगा, 100 जो एंटोनिम्स हैं जो रिपीटेड है वो हम पढ़ रहे हैं. ये 6th एंड 7th क्लास है, ठीक है. इससे पहले की क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने हो सके देखा होगा, अगर आप नए हो तो आप देख सकते हो. सर्च करना क्या करना, एसएससी वोकैबुलरी बाय ईसीएलई प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास, साथ में आपको मतलब आपको दिख जाएगी, ठीक है. उसके साथ साथ मैंने 100 जो सिनोनिम्स हैं किसके एसएससी में जो रिपीटेड किए गए हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, देख सकते हो आप, वो भी क्लास देख सकते हो शानदार तरीके से. कुछ लाइव क्लास है, कुछ बताओ लाइव है. तो ये तो मैं बिना लाइव पढ़ा रहा हूँ, लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, लाइव मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है. और मैंने सोचा भी था कि अभी मैं वीडियो अपलोड ही करूँगा, ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए. बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है. ये जो पहले मैंने साल लगाया, मैं एक वीडियो रिपीट कर रहा था क्योंकि दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो बार बार प्रैक्टिस में थोड़ा आने में टाइम लगता है, तो गलती बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए फिर से मैं इसको शूट कर रहा था, ठीक है. तो देखो एजिटेट, एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित होना, एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित होना, एजिटेट होना, ठीक है, उत्तेजित हो जाते हैं जल्दी व्यक्ति. इसका इंटरम देखो पेसिफाई एंड काम, तो आज स्थिति क्या है, लोग उत्तेजित हो जाते जल्दी, पीपल ऑलवेज एजिटेट, ठीक है, हमें लोग हमेशा एजिटेट ही होते हैं, ठीक है. पीपल विल नॉट काम, लोग शांत नहीं होंगे, वो एजिटेट होंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखो एग्रीमेंट, ए देखो ए जी आर डबल ई एम ई एन टी, फिर से रिपीट करो स्पेलिंग, ए जी आर डबल ई ए जी ए जी ए जी आर डबल ई एम ई एन टी, एग्रीमेंट मीन्स समझौता होगा. एंटोनिम देखो इसका डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है अनबन होना, क्या अनबन होना, किसी भी अनबन मतलब आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो बिगड़ गया, मतलब अनबन हो गया दोनों के बीच. अगर जैसे कोई साथ में बिजनेस कर रहा था, एग्रीमेंट किया कि वी विल परचेज दिस लैंड एंड वी विल डू बिजनेस टुगेदर, देर इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन अस, ओके, हम दोनों के बीच में क्या, हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट है, बट आपकी अनबन हो गई, पैसों के लिए कुछ करो, उसको हम क्यों बोलते हैं डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड. तो देर इज़ द डिस्कॉर्ड बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में अनबन है. नेक्स्ट है एलियन, एलियन मीन्स होता है समझौता, सॉरी एलियन मीन्स होता है विदेशी, क्या विदेशी, विदेशी सुना हो, एलियन एलियन मतलब होता है विदेशी, जो विदेशी है, ठीक है. इसका एंटोनिम क्या होगा, नेटिव मतलब देशी. तो आपने एलियन तो आप ये समझते हो कि एलियन मतलब क्या होता है, जो कहाँ रहता है, जो बाहर रहता है, कहाँ रहता है, जो बाहर रहता है, मतलब आउट ऑफ द अर्थ, उस हम एलियन बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है. इसको भी नए वर्ड मिल गए, विदेशी, नेटिव जानती है, व्हाट इज योर नेटिव, आपकी देशी भाषा क्या है. नेक्स्ट देखो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स मतलब होता है बैर, एनिमोसिटी मीन्स बैर. एंटोनिम देखो बेनिवोलेंस एंड लव, परोपकार एंड प्रेम, ठीक है. बेनिवोलेंस मीन्स अनबन, ठीक है, सॉरी एनिमोसिटी मीन्स बैर, लोगों के बीच बैर होना, ठीक है, होता है ना लोगों के बीच, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, मतलब मनमुटाव, बीच में मनमुटाव, बैर, ठीक है. तो एनिमोसिटी इसे हम बोलते हैं, इसका एंटोनिम है बेनिवोलेंस एंड लव, ठीक है. नेक्स्ट है एंटिक, एंटिक मीन्स प्राचीन, थोड़ी सी अगर गलती हो जाए तो थोड़ा माफ करना, ठीक, कुछ कुछ निकल जाए. तो एंटिक मीन्स होता है प्राचीन, क्या प्राचीन, जो एंटिक पीस फिल्मों में से बहुत सुना होगा, दिस इज द एंटिक पीस सर, ये क्या एक
एक लौता एंटिक पीस है, मतलब एक लौता एक प्राचीन चीज है, एंटिक है, ठीक है। एंटोनिम देखो रिसेंट एंड मॉडर्न, रिसेंट एंड मॉडर्न, हल्का एंड आधुनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपालिंग, AAPALING, अपालिंग। अपालिंग मीन्स क्या होगा, अपालिंग मीन्स होगा डरावना, क्या होगा डरावना, ठीक है, जो चीज़ डरावना। लेकिन एंटोनिम देखो कंसोलिडेटिंग एंड अपीलिंग, ध्यान रखना अपालिंग है अपीलिंग, AAPELING, अपीलिंग सांत्वना देना, सांत्वना अपील करना, AAPELING अपीलिंग, ठीक है, स्पेलिंग मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है क्या अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, क्या नियुक्त करना, हम नियुक्त कर देना, मतलब हम नियुक्त नहीं करते, गवर्नमेंट नियुक्त करती, रिक्रूट करती है, दो मिनट, ठीक है, तो अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है। इसका एंटोनिम देखो डिसमिस एंड डिसमिस होना, डिसमिस इसका एंटोनिम होगा, क्या डिसमिस का एंटोनिम, तो अपॉइंट करना, नियुक्त करना, ठीक है, इसका एंटोनिम होता है डिसमिस, यू आर डिसमिस, आप खारिज हो गए, बोलते ना यू आर फायर्ड, आपको निकाला जाता है। तो अपॉइंट डिसमिस, अपॉइंट डिसमिस, नियुक्त करना और खारिज करना। नेक्स्ट देखो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त, जो उपयुक्त हो, इसका एंटोनिम होगा अनसूटेबल। देखो एक तो अप्रोप्रिएट होता है कि अनअप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, लेकिन ये आ गया अनसूटेबल, जो अनुपयुक्त, जो कि सूट नहीं करता, अनुपयुक्त हम बोल सकते हैं, ठीक है, अनुपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए असेंट, असेंट मीन्स होता है चढ़ाव, डिसेंट मीन्स होता है गिराव, ठीक है, असेंट एंड डिसेंट, चढ़ाव एंड गिराव, आए समझो। तो असेंट ASCENT, ठीक है। नेक्स्ट तो असेंबल, असेंबल मीन्स क्या होगा, असेंबल मीन्स होगा इकट्ठा करना, डिस्पर्स एंड स्केल्टर्स बिखेरना, ठीक है। तो हेल्टर स्केल्टर आपने सुना होगा, मैंने बोला है कई बार, हेल्टर स्केल्टर, हेल्ट एंड स्केल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, ठीक है, ये बिखेरना है, स्केल्टर एक बर्ड लिया है, ठीक है। तो ये है आपका 70 तक आपके एंटोनिम्स थे, एक बार और रिपीट करूँ क्या, चलो कर देते हैं, दो सेकंड लगेंगे। एजिटेट पैसिफाई काम, ठीक है, एग्रीमेंट डिस्कर्ड, ओके, एलियन नेटिव, ठीक है, एनिमोसिटी बेनिविलेंस लव, ठीक है, एंट्रेक रिसेंट एंड मॉडर्न, अपीलिंग कंसोलिडेटिंग एंड अपालिंग कंसोलिडेटिंग कंसोलिडेटिंग एंड अपीलिंग, ठीक है, कंसोलिंग, ठीक है, अपॉइंट डिसमिस, अप्रोप्रिएट अनसूटेबल या अनअप्रोप्रिएट, ठीक है, असेंट डिसेंट, असेंबल डिस्पर्स एस्केलेटरल। तो दिस वॉज द एंटोनिम्स ऑफ द SSC एग्जाम, रिपीटेड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो, आपको इसको लर्न करना है, और आप अगर SSC के लिए नहीं हो, बेसिक ये जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह मिल जाता है, यूज़ करते हैं, तो आप उनमें भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास थी, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे, हो सकता है आपकी क्लास डेली आए, हो सकता है आपकी क्लास इरेगुलर आए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए कम से कम आपके, मैं बता दूं कि इस मंथ तो हो सकता है, मतलब 28-29 तक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल रेगुलर क्लास आए आपकी, तो इट इज़ डिपेंड माय कंडीशन, ओके। और मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, ओके। मैं आइसोलेट इसलिए हूँ क्योंकि, और जो फैमिली मेम्बर उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि पता है यंगस्टर्स में जो मतलब जो सिम्टम्स ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो ठीक हो जाते, रिकवर हो जाते दवाई खा के, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को क्या ठीक, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हल्की में ना लूँ, क्योंकि देखा है बहुत सारा, चलो ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यदि भी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को जैसा भी लगा हो इनको अगर आप रिमाइंड करना चाहते हो, मतलब याद करना चाहते हो, तो इनको एक सेंटेंस और नीचे आप कमेंट लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक वर्ड एक सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन आप जैसा भी लर्न करना चाहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।